थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर एम एस अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। स्वाद के पिच पर अब लगेगा द फूड कोर्ट का चौका। What a shot, it's four! द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ। अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, सिवान में लग्जरी एंड टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बो। द फूड कोर्ट, जूनापुर हॉस्पिटल रोड, बाईपास रोड, सिवान। इंडियन थाली, चाइनीज स्नैक्स, वेज एंड नॉन वेज, डिलीशियस फूड आइटम्स। तो अपने स्पेशल दिन को स्पेशल फील कराएं। द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट से आप कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर भी। फॉर बुकिंग कॉल 7766969414। शेष कार्यक्रम नगर परिषद चुनाव में। इन दिनों सिवान में नगर परिषद चुनाव का माहौल काफी रोचक बन चुका है, क्योंकि सरकार ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है कि अब चेयरमैन का चुनाव वार्ड पार्षद के सहयोग से या चयन से नहीं होगा, बल्कि जनता जनार्दन चेयरमैन को अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करेगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। आज हम एक विशेष रिपोर्ट कार्ड पर बात करने के लिए हीरालाल प्रसाद से मुलाकात कर रहे हैं, जो सक्रिय समाज सेवी हैं और अपने व्यक्तित्व और व्यवहार की वजह से जनता के दिल में जगह बनाए हुए हैं। यही वजह है कि वार्ड संख्या 23 की सम्मानित जनता इनके धर्मपत्नी रेणु देवी को वार्ड पार्षद जैसे गरिमामयी पद पर सुशोभित की, और इनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव है कि जनता इनको बहुत लाइक करती है। तो वार्ड संख्या 23 में हीरालाल प्रसाद और इनके धर्मपत्नी के द्वारा जनहित में वह कौन कौन सा विकास का कार्य हुआ है और किस मुद्दे पर इस बार जनता की अदालत में जा रहे हैं, इन्हीं सब विषयों पर इनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हीरालाल प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बतलाएं कि आप अपने धर्मपत्नी के कार्यकाल में क्या क्या विकास का काम किए, चूंकि चुनाव का समय करीब आया है, जनता भी जानना चाहती है और हम आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं। हम वार्ड में इतना ना काम किए हैं कि हद से ज़्यादा। वार्ड में, मेरे वार्ड में कोई काम नहीं है। टोटल गली का टोटल PCC करवा दिए हैं, टोटल नाला बनवा दिए हैं, टोटल लोग जो 60 से ऊपर है उसका विधवा पेंशन हम बनवा दिए हैं। गरीब से अमीर तक सारा लोग का हम राशन कार्ड बनवा दिए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं छूटा है कि जिसको राशन कार्ड नहीं बना हो। अब रह गई नल जल का काम। हमारे वार्ड में 12 आना काम हो गया है, जिसका कनेक्शन भी दे दिया गया है। अब थोड़ा सा काम बचा है, अब फिर 2-4-10 दिन में आएगा, उसे फिर अपना काम पूरा करेगा। बिल्कुल, देखिए कोरोना संकट काल में सबसे बड़ी समस्या आई थी लोगों को राशन की, तो आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को नया राशन कार्ड का लाभ दिलवाया। तो लगभग कितने लोग होंगे जो नया राशन कार्ड धारी बने होंगे? हमारे वार्ड में नहीं, करीब करीब 250-300 कार्ड बन गया है। 250-300? हाँ। और कोरोना काल में जो गरीब थे उसको जितना भी अपना से मदद करना हो, चावल हो, गेहूं हो, चाहे आटा है, दाल है, सब लोग घर घर हम गरीब आदमी को लेकर घर घर चौपाए हैं और बुलाकर अपने द्वार पर लोग को दिए हैं जी। हाँ बिल्कुल। तो देखिए हीरालाल प्रसाद जी अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, इन्होंने कहा कि संकट के समय में मैंने इंसानियत और मानवता का परिचय देते हुए जो लोग जरूरतमंद थे उनको निस्वार्थ भाव से मैंने राहत पहुंचाने का काम किया, जो हमारा मानवता धर्म बनता था। और यही वजह है कि आज करीब 250 से 350 लोग नए राशन कार्डधारी बने हुए हैं, यानी उनको लाभ मिल रहा है। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, क्योंकि हर घर में राशन अब पहुंच रहा है। हीरालाल प्रसाद जी, एक सवाल आपसे यह है कि कुछ लोग इस बार जो है दूसरे क्षेत्र से भी आकर के आपके तरफ निगाह और नज़र बनाए हुए हैं कि हम चुनाव लड़ जाएं, लेकिन आपका कहना है कि मैंने जनता का सेवा किया है और विकास का जो काम किया है उसका मजदूरी जनता फिर देगी। तो ये नए लोग भी, कुछ लोग इधर आ रहे हैं, डेरा अपना डाल रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे लड़ना सब किसी का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप आइए, जिसको स्वागत है सब किसी को स्वागत करेंगे, जो भी लड़ेगा पक्ष विपक्ष तो बना रहता है, हम स्वागत करते हैं सारे लोग के, लड़े कोई दिक्कत नहीं है। जो काम करेगा, जो मॉल में पब्लिक के दिल में रहेगा वो जीतेगा, उसमें क्या करना है।
देखिए एक इंटरव्यू हम हीरालाल प्रसाद जी का दिखला रहे हैं, हम यहाँ पहुंचे हुए हैं, एक सामुदायिक भवन कहें या सामाजिक एक भवन कहें जिसमें शादी समारोह से लेकर के जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं यहाँ आसानी से संपन्न हो जाते हैं। तो यहाँ जो हीरालाल प्रसाद जी, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही मजबूत आपने भवन का निर्माण कराया है और ये आपके कार्यकाल में हुआ है, यह कौन सा योजना है और किस मद से निर्माण हुआ है? हम नगर से हम करवाए हैं जी। नगर परिषद से करवाए हैं अपना काम। तो हम तो देख रहे हैं, चूंकि हम लोग प्रेस रिपोर्टर हैं, मीडिया के लोग हैं, गली गली में हम लोग पहुंच रहे हैं, वार्ड वार्ड तक जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरह का कोई बिल्डिंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचार है, हम अपना सोच से अपना 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 पैसा किसी तरह से लाकर नगर परिषद से अपना बनवाए हैं। बिल्कुल, देखिए बतलाते चले कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जो अपने बेटी के शादी विवाह में बड़े बड़े रेस्टोरेंट में होटल में उनको पनाह लेना पड़ता है और ज़्यादा बजट आता है, गरीब आदमी इस भार को लोड को सह नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो काम हुआ है, एक सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है जिसमें सामाजिक कार्यक्रम आसानी से हो जा रहे हैं और बहुत ही बड़ा लाभ आप जो है यहाँ दिलवा रहे हैं। कब का योजना था, कितने राशि से इसका निर्माण हुआ है, कुछ लेखा जोखा देंगे क्या? दो तीन खेप में बना है। दो तीन खेप में बना है, 20 लाख के करीब में, 2-3 खेप में 20 लाख रुपया करीब में बना है। अब फिर ऊपर भी बनने का 2-4, 10-20 दिन में हाथ लग जाएगा, करीब 5-6, 7 लाख के ऊपर का प्लांट है। अच्छा। वो भी बन जाएगा, उम्मीद करते हैं। एग्रीमेंट बनाना है और सब पूरा हो गया है। ये जो आप बिल्कुल जो एक बात है कि मोहल्ले के लोग जो भी हो, वार्ड के लोग जो भी हो, किसी घर में 5-6 मेहमान आ जाए तो किसी के घर में रहने का जगह नहीं है, तो मेरे से चाबी ले लेते हैं, आकर यहाँ पे सुलाते हैं, इसमें कल है, पैखाना है, सारा चीज़ का सुविधा है। हर किसी का वार्ड में तो किसी के उतना जमीन नहीं है, उतना घर नहीं है, कोई भी मेहमान आता है रात को, रात भी कभी आती है, चाबी ले लेते हैं, आकर सुलाते हैं, फिर अपन नहाते हैं, मेहमान अपना नाश्ता पानी होता है, फिर अपने घर चले जाते हैं। देखिए मैं मीडिया सर्वे में मैंने यह बात पाया, इसके पहले भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उनका चुनावी मुद्दा हमने दिखलाया था और हीरालाल प्रसाद से मिलने का मुख्य उद्देश्य यही रहा, क्योंकि जनता इनको जनप्रतिनिधि का प्रमाण पत्र दी है और यही वजह है कि इन्होंने निस्वार्थ भाव से जनता के समस्याओं का समाधान किया है और धरातल पर विकास का काम किया है, इसलिए ये विकास के लिए और ये इन्होंने जो काम किया है उसके आधार पर फिर से चुनाव के मैदान में आए हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, जरा उनसे हम परिचय कराते हैं। आइए इधर आइए, एक दो शब्द बोलिए। गवर्नमेंट सर्विस नहीं है? हाँ ठीक, यहाँ पर आइए, यहाँ पर, और पीछे आइए ना, ये हाँ ऐसे रखा जाता है, ठीक है, और पीछे आइए, और पीछे, हाँ ऐसे रखिए, हाँ ठीक, इसको आप ले लीजिए, हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। चलिए, हीरालाल प्रसाद जी जो अपना विकास कार्य का जो भी लेखा जोखा है वो बतला रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे इनके काम के बारे में? इनका काम बहुत ही सराहनीय है और मैं कोरोना काल में मेरा राशन कार्ड नहीं था जो इनके कार्यकाल में मेरा बन गया राशन। अच्छा, आपको राशन कार्ड का लाभ मिला है? हाँ, राशन कार्ड का लाभ मिला और राशन भी मिलता है हमको। कितना चावल मिलता है आपको? हमको मोदी सरकार द्वारा कोरोना काल में डबल राशन मिल रहा है। अच्छा। 12 किलो चावल, 12 किलो गेहूँ और 20 किलो चावल मिलता है। अच्छा, पहले आपके पास राशन कार्ड नहीं था? इसके पहले जो वार्ड पार्षद थे, मेरा राशन कार्ड नहीं था। अच्छा, उनके रीजन में आपको इसका लाभ नहीं मिला? नहीं मिला था। राज, तो हीरालाल प्रसाद के द्वारा जो काम हुआ इनके रीजन में, आप लोग इनके काम से संतुष्ट हैं? बहुत ही संतुष्ट है हम लोग, और हम लोग चाहेंगे कि आगे भी यही वार्ड पार्षद भी रहें। बिल्कुल, यानी इस बार भी आप लोग मिजाज बना चुके हैं कि इनको भारी समर्थन देके उस पद पर बरकरार रखना है। हाँ, बिल्कुल। हीरालाल प्रसाद जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये जो समर्थन आपको मिल रहा है, सभी लोग बता रहे हैं कि आपका काम बोल रहा है? अरे हम बतला रहे हैं, थोड़े पब्लिक बतला रही है, हम थोड़े बतला रहे हैं। हम अब काम किए होंगे तो हम वोट लोग देगी, काम नहीं किए होंगे तो वोट जनता नहीं देगी। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल यह है कि बहुत सारे वार्ड पार्षद हैं, चुनाव जीतने के बाद जनता से संपर्क तोड़ लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सभी लोग आपके बारे में बता रहे हैं कि आप हमेशा खड़े रहते हैं। हम तत्पर खड़े रहते हैं, हमारे द्वार पर डेली आता है, हिंदुस्तान आता है, एक बार प्रभात आता है, भास्कर आता है, सब लोग अखबार आते हैं, पढ़ते हैं, अपना चाय पीते हैं, अपने अपने घर 10-10 बजे चले जाते हैं, सब सुबह में 6:30 बजे हमारे द्वार पर लोग आ जाते हैं, 3 फेर बार रहता। हाँ। अच्छा, राजनीति में आप आने का आपको मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आप इसमें आ पाए? राजनीति में प्रेरणा मिली, थोड़ा सा दोस्ती था, उसके बाद थोड़ा सा टूट गया, उसके बाद तानाशाही वाली बात हो गई, तो उसी हम चुनाव लड़ गए। अच्छा,
अच्छा, यानी कि कहीं ना कहीं से आपको चुनौती मिला, उसको स्वीकार आपने स्वीकार किया, उसके पर फिर देखा जाएगा, उसको लड़ेंगे, लड़े जीते भगवान के दया से। बिल्कुल। अच्छा, जो चेयरमैन हैं उनके आप बहुत खासम खास माने जाते हैं, आप माने करीबी माने जाते हैं, तो जो चेयरमैन से आपका रिश्ता है, ये बड़ा मजबूत रिश्ता है, क्या कुछ कहेंगे उनके कार्यकाल में? चेयरमैन का रिश्ता उनसे नहीं, उनसे भाई से था, पहले मनोज सिंह से था। अब मनोज सिंह से उनके यहाँ जाते थे तो धनंजय सिंह से भेंट होता था, अब बात विचार प्रणाम पाती होता था। हम घरेलू रिश्ता है मनोज सिंह से, धनंजय सिंह से, और चेयरमैन से हमारा घरेलू रिश्ता है। हाँ, चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक अच्छा रिलेशन है। हम लोग हम सशक्त में भी हैं, अपने मैंने जो अस्थी हमको ला दिए, सशक्त में नहीं रहना है, रहना है, चलिए भाई तो रख दिए, तो रख दिए, चलिए। अच्छा, अभी आप चर्चा कर रहे थे ऊपर एक बिल्डिंग इसी के ऊपर आप मतलब फिर तैयार कर रहे हैं। हाँ हाँ, फिर ऊपर पास हो गया है, खाली एग्रीमेंट बनाना है, फिर दो चार दस दिन में हाथ लग जाएगा। अच्छा, एस्टीमेट वगैरह सब? हाँ हाँ, सब चीज़ हो गया, खाली एग्रीमेंट बनाकर ठेकेदार हाथ लगा देगा। ऊपर जो बिल्डिंग का आप निर्माण कराने जा रहे हैं, वो किस माने मकसद के लिए काम आएगा? अरे मकसद आएगा शादी ब्याह के लिए, चाहे जयमाला वाला करने के लिए, ऊपर ऊपर उसके ऊपर खाना वाना बनाने का, ऊपर खाना खिला दिया जाएगा, यही मकसद से बनवाए हैं। जो भी जरूरत का लोग, पूरा वार्ड के जो भी काम लगेगा, वार्ड का ऑर्डर, वार्ड के भी काम लगे तो हम दे देते हैं उसमें।